छत से आके फिर इसको खोलते हैं। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। छत में बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है छत में। तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस लॉकडाउन के सीज़न में क्या आपको होम जिम बना लेना चाहिए, फिर आपको वेट करना चाहिए जिम्स कब खुलेंगे। इन माय ओपिनियन गाइस, आपको होम जिम बना लेना चाहिए बिकॉज ये कोरोना भी जाने नहीं वाला है। वी हैव टू लिव विद दिस, और इसीलिए जिम्स बंद होंगे खुलेंगे, बंद होंगे खुलेंगे। आप कितनी देर अपने वर्कआउट को लाइटली लेंगे। तो अगर आपके पास बजट है तो आपको जिम बना लेना चाहिए। बट आप होम जिम बनाएंगे कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो रिक्वायरमेंट नंबर वन गाइस, आपको एक ऐसा खाली जगह लगेगा। अभी तो यहाँ पे कपड़े टंगे हुए हैं, बट मैं अपना खुद का जब होम जिम बनाऊँगा तो इस एरिया में ही बनाऊँगा। ये काफ़ी बड़ा सा एक एरिया है, यहाँ से यहाँ पे आराम से जिम बन सकता है। बट रिक्वायरमेंट नंबर वन इज़ गाइस, आपको ऐसा खाली जगह लगेगा। बी इट ऑन योर रूफ टॉप, बी इट इन योर ओन हाउस, एनी वेयर, बट आपको एक खाली जगह ऐसा लगेगा। अगर नहीं है तब नहीं बना पाएंगे। बाकी का वीडियो यहाँ पे शूट करता है। तो रिक्वायरमेंट नंबर टू है कि आपको एक मिनिमम बजट लगेगा, और वो मिनिमम बजट कितना है, 20,000 से लेकर 30,000 रुपीज़ तक वो स्ट्रेच हो सकता है। आप इस वीडियो को क्लिक ऑफ मत कीजिए अगर आपके पास 30,000 नहीं है। डोंट वरी, मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं है तब भी आप कैसे घर पर वर्कआउट कर सकते हैं। बट रिक्वायरमेंट नंबर टू इज़ आपको बजट लगेगा, यू नीड मनी। अगर आप डिसाइडेड है कि आपको होम जिम खरीदना है, अब आपको खरीदना क्या है, बिकॉज इंटरनेट पे इतने ज़्यादा ऑप्शन है, इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, इट इज़ अ मैसेकर गाइस। तो सुनिए, अगर आपको होम जिम लेना है तो आपको पांच चीज़ें चाहिए। नंबर वन एक स्क्वाट रैक, बेंच प्रेस रैक। नंबर टू बारबेल। नंबर थ्री वेट्स। नंबर फोर आप बेंच। एंड नंबर फाइव डम्बल्स। अब आप ये पांच चीज़ कम से कम पैसे में कैसे खरीदेंगे, मैं वो भी आपको इस वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। अभी बात करते हैं कि इंडिविजुअल चीज़ों के आपके प्राइसेस कितने पड़ने वाले हैं। तो 7 फीट बारबेल का प्राइस आपको अराउंड 5,000 से लेके 15,000 के अंडर पड़ जाएगा। वेट्स का प्राइस थोड़ा वेरी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपको कितना वेट्स लेना है। जो कास्ट आयरन मेटल प्लेट्स होते हैं वो कहीं पर भी आपको अराउंड 150 से 200 रुपीज़ पर किलो मिल जाएगा। इसका मतलब है अगर आप 100 किलो खरीद रहे हैं तो आपको अराउंड 20,000 पड़ेगा। हियर आई वुड रेकमेंड यू नॉट टू गो विथ पीवीसी वेट जो अमेजोन पे बिकते हैं, 40 kg बारबेल डंबल सेट, प्लीज़ मत खरीदिए। आई हैव बॉट वन ऑफ दोज, मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा कि हाउ बैड दे आर लिटरली दी वर्स्ट थिंग। वो एक इतना मोटा सा कोई मटेरियल होता है और उसके अंदर वो सैंड फिल कर देते हैं और लिटरली सैंड लीक आउट हो जाता है। डोंट बाई पी वी सी वेट्स, गो फॉर मेटल वेट्स। बेंचेस की बात करें तो आपको फ्लैट बेंच खरीदना है, इंक्लाइन बेंच नहीं खरीदना है। कम प्राइस में अच्छा इंक्लाइन बेंच नहीं मिलता, बट कम प्राइस में अच्छा फ्लैट बेंच आपको मिल जाएगा। फ्लैट बेंच आप 2,000 से 3,000 रुपीज़ में आराम से एक अच्छा फ्लैट बेंच मिल सकता है आपको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डम्बल्स। डम्बल्स के आपको सिर्फ रॉड खरीदना है। अगर आप अलग से मेटल वेट प्लेट्स खरीद रहे हैं तो मेक श्योर आप 5 किलो, 2.5 और 1.25 के वेट प्लेट के पेयर्स खरीदिए। अगर आप वो खरीदते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डम्बल्स के लिए वेट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डम्बल का 14-inch जो रॉड होता है वो खरीद लीजिए, वो अराउंड आपको 600 से 700 रुपये पड़ेगा, वेरी चीप, वो खरीद लीजिए आप। तो हम ऑल टोटल की बात करें तो अराउंड 30,000 इज़ द चीपेस्ट होम जिम दैट यू कैन प्रॉपरली बिल्ड। बट अगेन, चिंता मत कीजिए अगर आपका बजट 30,000 नहीं है। मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे 20,000, 10,000 और इवन 5,000 में कैसे एक होम जिम बिल्ड कर सकते हैं। बट ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं दैट यू नीड फॉर योर होम जिम बिल्ड। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया गाइस, कि अगर आप एक स्क्वाट रैक खरीद रहे हैं तो मेक श्योर उस स्क्वाट रैक में एक पुल अप बार हो। अगर पुल अप बार नहीं है देन आई वुड रिकमेंड कि द सिक्स थिंग दैट यू शुड बाई इज़ अ पुल अप बार। पुल अप बार बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। अगर डोर वे पुल अप बार है तो आपको अराउंड 600-700 रुपये में मिल जाएगा। और अगर आप मेरी तरह ऐसे यहाँ पे ऐसा एक पुल अप बार लगाना चाहते हैं तो ये आपको अराउंड 1200 से लेकर 1500 तक कॉस्ट करेगा। मैंने जो भी प्रोडक्ट्स मेंशन किए हैं इस वीडियो में वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली वहाँ से खरीद सकते हैं। बट दिस पुल अप बार कॉस्ट मी अराउंड 1500 एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पुल अप बार दैट आई हैव एवर यूज्ड, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ का दो लिंक्स प्रोवाइड करूँगा। वन इज़ अ बजट ऑप्शन एंड वन इज़ अ मोर कॉस्टलियर ऑप्शन, बट उसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आप एक बजट कंस्ट्रेंट में हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप सारी चीज़ें अमेजोन से खरीदिए।
बट अगर आपके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे स्पेंड करने के लिए है देन आई एम गोइंग टू लिंक ऑल ऑफ़ द प्रोडक्ट्स जितने भी मैंने वेबसाइट आज तक रिसर्च किया, बिकॉज मैं खुद का भी एक होम जिम बनाने वाला हूँ इसी छत पे। मैंने जो जगह आपको पहले दिखाया वहाँ पे मैं अराउंड फर्स्ट मे के अराउंड एक खुद का होम जिम बनाने वाला हूँ। वो उसका कितना कॉस्टिंग आ रहा है, क्या क्या चीज़ हम ले रहे हैं, वो सभी मैं आपको मेरे चैनल पे दिखाऊंगा। तो अगर वो देखें तो मेरे चैनल को फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कीजिए। बट मैं जहाँ पे रहता हूँ कोलकाता, वहाँ पे जिम अभी तक बंद नहीं हुए है। तो कोई नहीं, एक लास्ट वर्कआउट करके आते हैं।